सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका। दोस्तों आज भी बात हो रही है गूगल की। दोस्तों गूगल पे आप तरह तरह की चीजें सर्च करते हो, बेशक गूगल ने आपको वैलिड सर्च रिजल्ट्स भी दिए होंगे, लेकिन दोस्तों क्या आपको ये पता है कि गूगल के कुछ सर्चर्स आपको काफी एंटरटेन भी कर सकते हैं, जो कि काफी फनी है, एंड आई एम श्योर कि आप डेफिनेटली उनको ट्राई करना चाहोगे। तो बस उसी लिए आज इस वीडियो में आपके लिए लेके आ चुका हूँ गूगल के कुछ अमेजिंग फन ट्रिक्स वीडियो के पार्ट टू के साथ, एज आई प्रोमिस्ड, जिन्हें सर्च करके एक बार के लिए तो आप भी सोचोगे कि गूगल इज सो फनी एंड इंटरेस्टिंग ऑल्सो। सो नो मोर वेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब मारो यार, शुरू करें। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि गूगल के ये टिप्स एंड ट्रिक्स टेक्निकली आपके काम आए ना आए, लेकिन आपके खाली वक्त पर आपको काफी सारा एंटरटेनमेंट दे सकती है, जो कि गूगल पे बिताए आपके मोमेंट्स को और किए हुए सर्चेस को काफी फनी बना सकती है। भी हो सकता है कि ये सर्चेस के बाद आपका खराब मूड काफी अच्छा हो जाए। मैं नहीं मानता, बिना देखे जज करना गलत है। दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं एक अमेजिंग फन ट्रिक के साथ। कभी सोचा है कि क्या होगा जब आप कुछ गूगल पे सर्च करते हो और आपका स्क्रीन 360 डिग्री में घूम जाए? तो सिंपली आपको गूगल पे सर्च करना है डू ए बैरल रोल। इस पे जब भी आप सर्च करेंगे दोस्तों, आपका स्क्रीन इस तरह से रोटेट हो जाएगा। काफी इंटरेस्टिंग बात है ना। सपोज दोस्तों आप चाहते हैं कि आपका स्क्रीन एक से ज्यादा बार रोटेट हो, उसके लिए दोस्तों आपको थोड़े नीचे आना है। पहले जो आपको लिंक दिख रहा है उस पे आपको क्लिक कर देना है। लिंक ओपन हो जाने के बाद दोस्तों आपका स्क्रीन एक बार रोटेट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे और भी चीजें दिख रही हैं, 20 टाइम्स, 5 टू 6 टाइम्स, ट्वाइस। हम ट्वाइस पे क्लिक कर देते हैं तो हमारा स्क्रीन दो बार रोटेट हो जाएगा, और बिना कहीं इंस्ट्रक्शन दिए एक क्लिक पे अगर आप स्क्रीन को रोटेट कराना चाहते हो तो आपको यहाँ पे उल्टे गूगल का साइन दिख रहा होगा, उस पर एक बार क्लिक कर दीजिएगा। है ना काफी इंटरेस्टिंग और कूल ट्रिक। दोस्तों डुए बैरल रोल से रिलेटेड एक और ट्रिक बताता हूँ आपको, जो कि उसी की तरह है। दोस्तों द विजर्ड ऑफ ओजेट ट्रिक लिख के आप जब भी गूगल पे सर्च करोगे, उसके बाद आपको पहले जो लिंक दिखेगा आप उस पे क्लिक करना होगा। आपको यहाँ पे आइकॉन दिख रहा होगा शूज के, इस पे आपको क्लिक कर देना है। फिर से रोटेट होने लगी दोस्तों पीछे की तरफ से। अब दोस्तों आपको यहाँ पे एक तूफान का आइकॉन दिख रहा होगा, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये घर चला गया। अब ये फिर से रोटेट होने लगी है। तो है ना दोस्तों, ये भी काफी आसान और मजेदार ट्रिक, वो भी गूगल की तरफ से। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक नई फन ट्रिक आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि है दोस्तों गूगल स्फीयर। इस पे आप जब भी सर्च करेंगे आपको पहले एक लिंक दिखेगा, उस पे आपको क्लिक कर देना है। लिंक ओपन हो जाने के बाद दोस्तों आपको बस ब्लैंक स्पेस में कहीं भी क्लिक कर देना है, और दोस्तों आप देख पाइएगा कि आपका गूगल का जो लोगो और सर्च बार के साथ नीचे आ चुका है और बहुत सारे जो राइटिंग्स हैं वो आसपास घूम रहे हैं, जो भी दिखने में काफी कूल लगता है। और दोस्तों आप जूम करके स्क्रीन को रोटेट करके भी इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ट्रिक भी आपको काफी पसंद आई होगी और इंटरेस्टिंग भी। दोस्तों अब तक आपने अपने लाइफ में बहुत सारे मिरर ट्राई किए होंगे, लेकिन दोस्तों ये वाला कुछ अलग है। ये है गूगल मिरर, जहाँ पर आपको आपका गूगल उल्टा दिखेगा। सो सिंपली आपको सर्च करना है प्ले द गूगल मिरर, और जो लिंक आपको दिखेगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के तुरंत बाद ही दोस्तों आपका जो स्क्रीन है वो फ्लिप होके उल्टा हो जाएगा, और फिर कुछ देर बाद सीधा भी हो जाएगा। दोस्तों है ना काफी कूल एक फन ट्रिक बाय गूगल। दोस्तों शायद आप नहीं जानते कि इस तरह के बहुत सारे ट्रिक्स से गूगल भरा पड़ा है। दोस्तों सिंपली अगर आप सर्च करते हैं गूगल स्पेस, गूगल स्पेस पे क्लिक करने के बाद जो आपके पास लिंक आएगा उस पर अगर आप क्लिक करेंगे, आपको कुछ देर कुछ ही सेकंड में आपको ये दिखेगा कि आपके जो राइटिंग्स हैं जो भी स्क्रीन में दिखते हैं वो उल्टे पुल्टे हो गए, जैसे दोस्तों देख सकते हैं सब नीचे की ओर गिरने लगे हैं। उसी तरह दोस्तों थोड़ा बहुत और फन के लिए अगर आप सर्च करते हैं गूगल ग्रेविटी, तो दोस्तों पहले जो लिंक आएगा उस पर जब भी आप क्लिक करेंगे, बस क्लिक करने से ही कहीं पे आपके सारे इंग्रेडिएंट्स नीचे आ जाएंगे और ऊपर वाला स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि गूगल के साथ सर्च बार अब कुछ नीचे आ चुका है, जो कि काफ़ी सरप्राइजिंग लगता है दिखने में। अब दोस्तों गूगल को हमने नीचे पटक दिया, इसके बाद जो ट्रिक है दोस्तों उस पर आप गूगल को पानी में तैरते हुए देखेंगे। सो दोस्तों आपको सिंपली सर्च करना है गूगल अंडर वाटर। इस पर जब भी आप सर्च कर देंगे दोस्तों, जो लिंक आएगा उस पर आप क्लिक कर देंगे, उसके बाद दोस्तों आप जितना पानी को छुएंगे वो उतना ही स्प्लैश करेगा। छोटी सी टिप, अगर आपके लिए कोई ट्रिक काम नहीं कर रही है तो दोस्तों आप अपना डेस्कटॉप साइट ऑन कर लीजिए, आपके लिए सारे फंक्शंस एक्यूरेटली काम करने लगेंगे। तो दोस्तों इस इंटरफेस पे आपको गूगल उल्टा दिख रहा होगा, इस पे जब भी आप क्लिक कर देंगे दोस्तों वो सीधा स्लाइड होके पानी में डूब जाएगी, बिल्कुल ऐसे। अब दोस्तों एक
और एक इंटरेस्टिंग ट्रिक बताता हूँ जो कि गूगल यूजर्स को शायद अच्छी तरह से पता है, लेकिन दोस्तों अगर आपको पता नहीं है तो नॉर्मली आप इसे डायरेक्टली ट्राई भी कर सकते हो। दोस्तों आस्क यू, जब भी आप सर्च करेंगे आस्क यू पे, सर्च करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे कि आपका पेज जो है वो राइट साइड टिल्ट हो चुका है। ऐसा क्यों है दोस्तों, इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन जब भी आप आस्क यू सर्च करेंगे आपका जो स्क्रीन है वो दाएं साइड में सरक चुका होगा। एक्चुअली आस्क यू का मतलब ही है टेढ़ा या तिरछा, है ना दोस्तों, काफ़ी स्ट्रेंज। दोस्तों फन और एंटरटेनमेंट देने के साथ साथ गूगल आपसे एक्सरसाइज भी करवा सकता है। कैसे दोस्तों, आपको नॉर्मली सर्च करना है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, उस पर दोस्तों आपको यहाँ पे एक मिनट का ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के लिए कहा जाएगा। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपको कहा जा रहा है कि ब्रिंग अवेयरनेस टू योर ब्रेथ। अब दोस्तों एक मिनट के लिए आपको आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। दोस्तों ब्रीद इन कहा जा रहा है तो दोस्तों आप सांस को अंदर लीजिए, अब ब्रीथ आउट कहा जा रहा है तो दोस्तों आप अपने सांस को बाहर छोड़ दीजिए, जो कि दोस्तों हमारे सेहत के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों ये भी गूगल काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से आपसे करवा सकता है, आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा ये करते हुए। दोस्तों एक सर्च इंजन के साथ साथ गूगल आपका एक अच्छा दोस्त भी है, क्योंकि वो हमेशा आपके साथ है और हमेशा त्यौहार पर आपको विश भी करता है। लाइक अगर आप सिंपली सर्च करते हैं दिवाली, सो दोस्तों सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर दिया दिख रहा होगा, उस पर आप जब भी क्लिक करेंगे आपको दिए मिलेंगे जलाने के लिए। तो दोस्तों काफ़ी कूल है दिखने में। बिल्कुल उसी तरह दोस्तों अगर आप होली सर्च करते हो तो दोस्तों आपको होली का भी ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको रंग दिख रहे होंगे, इस पर आप जब भी क्लिक करेंगे दोस्तों आपका स्क्रीन पूरा रंग से भर जाएगा। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, यह है तो वैसे छोटे मोटे गूगल के फन ट्रिक्स, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और जैसे कि मैंने दोस्तों आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था, गूगल एक सर्च इंजन है, उस पर हम बहुत सारी चीज़ें सर्च करते हैं, उसके अलावा भी गूगल हमको काफ़ी सारा फन एंटरटेनमेंट देती है, हमारे खाली टाइम में हमें काफ़ी सारा ऑप्शंस देती है, जिससे कि हम अपने खाली टाइम को बहुत ही एंटरटेनमेंट और फन के साथ गुजार सकते हैं। तो दोस्तों आप जैसे इमेजिन कीजिए कि अभी आप ऑफलाइन है, आपके पास नेट नहीं है, किसी वजह से आपका नेट काम नहीं कर रहा है, आप कुछ सर्च कर रहे हैं तो आपको एरर बताया जा रहा है, नो इंटरनेट। सो दोस्तों आप यहाँ पे डायनासोर मैच दिख रहे होंगे, इस पर आप जब भी क्लिक करेंगे एक गेम स्टार्ट हो जाएगा जो कि ऑफलाइन चलता है गूगल की तरफ से, जिसकी मदद से आप अपने नेट आने तक इजिली इस गेम को खेल के अपना टाइम पास कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से और बहुत ही मज़े के साथ। गेम्स के मामले में दोस्तों गूगल सिर्फ ऑफलाइन पे ही नहीं रुकता है, ऑनलाइन भी बहुत सारे गेम्स है जो कि आपको काफ़ी एंटरटेन कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरह दोस्तों आपको सिर्फ सर्च कर देना है पैकमैन। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप जब भी प्ले पे क्लिक करेंगे आपको आपका गेम लोड होता हुआ दिखेगा और इसे आप इजिली ओपन करके खेल भी सकते हैं कभी भी, आपका जब भी टाइम हो, जब भी आपका मन करे। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, जब भी दोस्तों आप डूडल सर्च करेंगे गूगल पर, आपको सर्च करने से पहले ही आपको सजेशंस में इतने सारे जो ऑप्शंस दिख रहे होंगे, 1, 2, 3, 4, ये चारों गेम्स हैं दोस्तों जिन्हें आप सिलेक्ट करके गूगल से आराम से अपने हिसाब से खेल सकते हैं। अब प्ले पे बस आपको क्लिक करना है, बस आपका गेम हो गया शुरू। काफ़ी एंटरटेनिंग है और काफ़ी अच्छे लगते हैं दिखने में। और दोस्तों इनके लिए आपको कोई अलग से ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, प्ले स्टोर से भी। अब हाँ दोस्तों, जब भी आप गूगल सर्च इंजन के सर्च बार पे डूडल लिखते हैं उसके बाद आपको सजेशंस आ रहे हैं गेम के। अब दोस्तों यहीं पे गूगल नहीं रुकता है, मतलब भी ज़्यादा है। अब दोस्तों कोई भी गेम पे अगर आप क्लिक करते हो तो इसे भी तो आप खेल सकते हो ही, लेकिन दोस्तों उसके नीचे भी आपको दोस्तों बहुत सारे गूगल के और भी सजेशंस आ रहे होंगे जिनको आप ओपन करके खेल सकते हो। फ्लैपी बर्ड, गूगल, इस तरह के दोस्तों फ्लैपी बर्ड भी आपके लिए एक गेम है जिसे कि आप इजीली खेल सकते हो गूगल से। तो दोस्तों फन और एंटरटेनमेंट गेन करने के मामले में आप थक जाओगे, लेकिन गूगल नहीं थकेगी, क्योंकि गूगल में दोस्तों बहुत कुछ है शायद जिन्हें आप नहीं जानते या फिर अब तक नहीं जानते थे। दोस्तों शायद गूगल में इससे भी ज्यादा फन ट्रिक्स होंगे, लेकिन दोस्तों मुझसे अगर कुछ छूट गई हो तो सॉरी। और ये फन टिप्स एंड ट्रिक्स गूगल के अगर आपको सच में पसंद आए हैं तो मेरे लिए लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज, और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये सारे फन ट्रिप्स एंड ट्रिक्स में से आपका फेवरेट सबसे ज्यादा कौन सा है। बाकी शेयर तो आप कर ही दोगे मुझे पता है। और हाँ गाइस, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलूंगा आपसे फिर से नए एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सो तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।